चलिए, कुछ जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें रह गई थी, ठीक है, वो मैंने यहाँ डिस्कस किया है कि ये था आरएल लोड और ये है आरएल लोड विथ फ्री व्हीलिंग डायोड। ठीक है, तो ये पॉइंट इसलिए डिस्कस हो रहा है, इसमें ये पता चल सके कि फ्री व्हीलिंग डायोड के क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो जब आरएल लोड सिर्फ आरएल लोड था तो क्या हो रहा है, इंडक्टर एक हाफ साइकिल में, यहां मैंने मोड वन और मोड टू अलग अलग भी बना दिया है कि मोड वन में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव रहता है और करंट इस तरीके से फ्लो करती है, और जो मोड टू है उसके अंदर करंट फ्री व्हीलिंग डायोड पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है इंडक्टर की और फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू करंट फ्लो करती है। ठीक है, तो जब सिर्फ आरएल लोड था तो आरएल लोड के अंदर क्या हो रहा है कि सेकेंड हाफ साइकिल के अंदर जब इंडक्टर ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव हो रहा है तो इंडक्टर अपनी एनर्जी कैसे रिलीज कर रहा है, सोर्स और आर में इन फॉर्म ऑफ आई स्क्वायर आर और सोर्स, इनमें इंडक्टर अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है। ठीक है, इसमें और इसमें, तो टोटल एनर्जी जो आउटपुट पे मिलेगी, वी आउटपुट पे जो टोटल एनर्जी मिलेगी वो कंपैरेटिवली या पावर जो मिलेगा वो कम रहेगा। क्यों? क्योंकि ये है आउटपुट लोड का पावर। ठीक है, ये है लोड का पावर, ये आर के साथ साथ सोर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी जब लोड से सोर्स की तरफ पावर जा रहा है तो इस आर को भी दे रहा है और सोर्स को भी दे रहा है। वेयर एज जो आरएल लोड विद फ्री व्हीलिंग डायोड है, इसके अंदर जो इंडक्टर अपनी एनर्जी रिलीज करेगा फ्री व्हीलिंग डायोड के फॉर्म में, तो वो सिर्फ और सिर्फ आर में ही अपनी एनर्जी रिलीज करेगा। यानी ये जो आउटपुट टर्मिनल है, वी आउटपुट, ये जो आउटपुट टर्मिनल है, आउटपुट टर्मिनल पे पावर सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि एल के अंदर की जो भी एनर्जी स्टोर्ड है वो एनर्जी आर में ही रिलीज रहेगी, तो पावर लोड एंड पे ही रह जाएगी, पावर लोड से सोर्स की तरफ नहीं जा रही है। ठीक है, तो जो आउटपुट पावर है वो आउटपुट पावर सेम रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इसके अंदर ये जो इंडक्टर है वो अपनी जब एनर्जी रिलीज करता है तो आर के साथ साथ, यानी लोड टर्मिनल के साथ साथ, आर के साथ साथ सोर्स में भी अपनी पावर को देता है। तो आउटपुट की जो पावर है यहां पे, जो टोटल वी इंटू आई होगा, टोटल ये होगा आई नॉट। ठीक है, तो टोटल वी इंटू आई नॉट है वो कम होगा। क्यों? क्योंकि कुछ पावर सोर्स के पास भी होगी। वेयर एज इन आरएल विद फ्री व्हीलिंग डायोड के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो फ्री व्हीलिंग डायोड से ही अपना डी एनर्जाइज हो जाएगा तो लोड की पावर सोर्स की तरफ नहीं जाएगी, तो इसके अंदर जो आउटपुट की पावर है वो आउटपुट की पावर सेम रहेगी। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा, इससे ये फायदा होगा, हाँ, इससे फायदा क्या होगा कि एसी साइड, मैंने बताया था कि एसी साइड जो होता है, ये हम लोग कन्वर्टर पढ़ रहे हैं, फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर पढ़ रहे हैं, रेक्टिफायर एसी टू डीसी कन्वर्टर होता है। ठीक है, रेक्टिफायर एसी टू डीसी कन्वर्टर है, तो इनपुट एंड पे है एसी, और हमने पहले क्लास में डिस्कस किया है कि एसी टर्मिनल के अंदर आरएमएस वैल्यू लेते हैं। ठीक है, आरएमएस वैल्यू लेते हैं, तो इनपुट साइड का पावर क्या होगा, एसी पावर है ना, या इनपुट एसी पावर क्या होगा, वी एस आर एम एस यानी सोर्स आर एम एस आई एस आर एम एस कॉस फाई इज इक्वल टू, जो डीसी साइड है उसमें हम एवरेज पावर लेते हैं। ठीक है, तो वी आउटपुट इन टू आई आउटपुट। ठीक है, तो इनपुट ये है डीसी, आउटपुट पावर, ठीक है, तो इनपुट पावर और इधर है आउटपुट पावर, जिसमें से इनपुट पावर है वी एस आई एस कॉस फाई, वी आउटपुट आई आउटपुट। ठीक है, तो ये है, इससे जो कॉस फाई की वैल्यू है वो ये निकल के आई, वी एस इंटू आई एस को नीचे लेकर आ गए। अब ये देखिए कि आउटपुट साइड का जो पावर है, अगर आउटपुट साइड का पावर बढ़ेगा जब आरएल लोड है ना, जब आरएल लोड है, तो हमने ये बात क्या की, आरएल लोड में हमने क्या बात की कि आउटपुट साइड का जो पावर है वी इंटू आई नॉट वो कम हो रहा है ना, क्योंकि कुछ पावर सोर्स में भी चला जा रहा है। वेयरएज इसके अंदर पावर सेम रह रहा है, तो जो ये वाला है फ्री व्हीलिंग डायोड है, इसके अंदर आउटपुट पावर सेम है या फिर बढ़ा हुआ है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ आरएल लोड। ठीक है, तो अगर ये बढ़ा हुआ है तो कॉस फाई भी बढ़ा होगा, यानी कॉस फाई इंप्रूव्ड मिलेगा, है ना, यानी पावर फैक्टर इंप्रूव मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है फ्री व्हीलिंग डायोड का। और एडवांटेजेस क्या है, आउटपुट पावर इंक्रीजेस ड्यू टू फ्री व्हीलिंग डायोड, यही हमने बात की, देयरफॉर पावर फैक्टर इंक्रीजेस, जिसकी वजह से जब आउटपुट पावर बढ़ा हुआ रहेगा तो ओवरऑल एफिशिएंसी भी इंप्रूव होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वी आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव ड्यू टू फ्री व्हीलिंग डायोड। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जो आरएल लोड है ना, इसके पहले हमने कभी आरएल लोड भी पढ़ा है, एक मिनट, है ना, ये जो आरएल लोड था, आरएल लोड की वेवफॉर्म को फोकस करिएगा, तो आरएल लोड की वेवफॉर्म के अंदर पावर पाई से लेके बीटा तक नेगेटिव होती है ना, नेगेटिव होती है, जितना समय ये डिस्चार्ज होने में लगाता है इंडक्टर उतने समय आउटपुट में वोल्टेज, सॉरी वोल्ट, आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव रहता है, जबकि जो फ्री व्हीलिंग डायोड वाला केस है इसके अंदर आउटपुट नेगेटिव नहीं जाने पाता है,
इससे क्या होता है कि आउटपुट वोल्टेज जो है, इसका जो आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म है, ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी। अगर हमेशा पॉजिटिव रहेगी तो इसका एवरेज आउटपुट वोल्टेज भी, वी आउटपुट एवरेज भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा या हाई रहेगा इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ आर एल लोड। ठीक है, तो एक ये है कि वी आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव ड्यू टू फ्री व्हीलिंग डायोड विच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एवरेज आउटपुट वोल्टेज। नेक्स्ट क्या है, लोड करंट वेवफॉर्म इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, लोड करंट वेवफॉर्म देखिए उस सर्किट के अंदर कैसी आ रही थी, लोड करंट वेवफॉर्म इस तरीके की। ठीक है, अल्फा से लेके बीटा तक गई, उसके बाद जीरो हो गई, तो डिसकॉन्टिन्यूस वेवफॉर्म है आर एल लोड में। जबकि जो ये वाला लोड है विद फ्री व्हीलिंग डायोड, देखिए इसके अंदर कॉन्टिन्यूस वेवफॉर्म है। ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूस नहीं है, ये है एसी टू डीसी कन्वर्टर। तो आउटपुट में जितना ज्यादा क्लीन डीसी मिला वो उतना ज्यादा बेहतर माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें आउटपुट क्लीन डीसी मिल, मतलब टेंडिंग टू क्लीन डीसी मिल रहा है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ आरएल लोड। ठीक है, और लास्ट क्या है, इन सब की वजह से परफॉर्मेंस ऑफ द कन्वर्टर इज इम्प्रूव्ड विद फ्री व्हीलिंग डायोड। ठीक है, एक चीज और इसके अंदर है कि वी आउटपुट एवरेज कहां से कहां तक निकालेंगे, आउटपुट कहां से कहां तक मिल रहा है, अल्फा से लेकर पाई तक, है ना, यहां से लेकर यहां तक मिल रहा है। ठीक है, तो आउटपुट एवरेज निकालेंगे 1/2π कंप्लीट साइकिल 1/T वाली, अल्फा से लेकर पाई वीएम साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसके वो बस इंटीग्रेट कर देंगे जिससे आउटपुट एवरेज आएगा वीएम 2π 1+cos α। बाकी जैसे उसके अंदर पिछले वीडियो को चेक करिएगा आरएल लोड में, उसमें कुछ इनिशियल कंडीशंस की बात की गई थी, इनिशियल कंडीशंस से ये वी आउटपुट टर्म और आई आरएमएस टर्म्स ये सब निकाले गए। तो जो इनिशियल कंडीशंस की वहां वहां रखी गई थी, वही सेम इनिशियल कंडीशंस यहां पे भी रखी जाएंगी। मेन आपको ये वी आउटपुट आरएमएस और वी सॉरी एवरेज और आरएमएस याद रखना है। ठीक है, हाँ, एक चीज और इसके अंदर बच गई है, वो है कि इसका सर्किट टर्न ऑफ टाइम कितना होगा। ठीक है, तो जितना टाइम तक रिवर्स बायस वोल्टेज दिया जाता है उसे ही हम सर्किट टर्न ऑफ टाइम कहते हैं। ठीक है, तो वी थायरिस्टर में पाई से लेकर 2π तक रिवर्स बायस वोल्टेज दिया गया है ना, यहाँ पे माइनस और प्लस उतने टाइम तक दिया गया है। ठीक है, तो इतने टाइम को सर्किट टर्न ऑफ टाइम कहेंगे। तो फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा टीसी इज इक्वल्स टू 2π - π, तो ओमेगा टीसी इज इक्वल्स टू पाई, तो टीसी विल बी इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, तो ये हो गया सर्किट टर्न ऑफ टाइम इन केस ऑफ फ्री व्हीलिंग डायोड।